जीत की खातिर जुनून चाहिए और जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए कि आसमां भी आएगा जमीन पर, बस आपके इरादों में जीत की गूंज चाहिए। साथियों, अगर आप भी मजबूत इरादे के साथ किसी भी क्षेत्र में कदम बढ़ाते हैं तो सफलता जरूर आपके पीछे पीछे आती है। सफलता के पीछे भागोगे तो सफलता दूर भागेगी, लेकिन अगर अपने काम में लगे रहे तो फिर सफलता तुम्हारे पीछे भागेगी। करके देखना, कभी लगेगा। आज की इस क्लास में आप लोग पढ़ेंगे बेसिक मैथमेटिक्स, तो आप पढ़ ही रहे हैं, आपको पता है, और मैं सबका कमेंट भी देख पा रहा हूँ जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं। साथियों, मैथ नहीं आती है ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो चीज़ हम लोग बचपन से सीखते हैं, जिसमें हम लोग ज़्यादा टाइम देते हैं, वो हमें आता है। हम मानते हैं, हो सकता है आप बहुत बड़े टेक्निकल एक्सपर्ट हों, आप बहुत बड़े मैकेनिक हों, बहुत बड़े आपको कुछ अलग एरिया में नॉलेज हो, मैथ में नहीं हो। आपको इंग्लिश आती हो, फटाफट आप इंग्लिश में व्हाट आर हाउ आर यू डूइंग करते होंगे, लेकिन मैथ नहीं आती। तो हर चीज़ में कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, ये आपकी कोई बहुत बड़ी कमी नहीं है। बस आपको रेगुलर पढ़ना, ईमानदारी से हमारे साथ में, अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए, मैथ आपको पक्का आएगी। ठीक है, तो क्लास चल रही है, आधा मिनट लगेगा। हम इनको बच्चों को बता दें कि चल रहा है, क्योंकि ये बच्चे परेशान हैं कुछ जो वेट कर रहे हैं कि जल्दी आओ, नहीं तो दोबारा लिखूं। पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं भैया ये। जिनका वीडियो नहीं चल रहा, दी गई लिंक पर क्लिक करें और जुड़ जाएं। कुछ लोगों का वीडियो नहीं चल रहा है तो उनको रिफ्रेश करना पड़ेगा। अगर आप सुन पा रहे हो तो आप रिफ्रेश कर लो। ठीक है, तो पंकज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रियंका, पवन, अमरजीत, सॉन्ग एक एहसास, इनका नाम है सॉन्ग एक एहसास, गणेश कुमार, छोटे लाल और प्रियांशु, मोहित और ललित ठाकुर, प्रियांशु, अजीत, सभी का कमेंट आ रहा है। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा आज टॉपिक होगा, बहुत ही मस्त चीज़ है ये जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, थोड़ा ध्यान देना साथियों, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट की क्लास है, तो हमारी कोशिश होती है कि आपको जीरो लेवल से सिखाया जाए, एकदम शुरू से। हम ये मान के चलते हैं कि आप शून्य बटा सन्नाटा हैं, हाँ ठीक है, आप शून्य बटा सन्नाटा हैं, हम ये मान के चलेंगे। आज ये डोज नंबर 19 है, मैथ का वैक्सीन का टाइटल का नाम है। तो पहला क्वेश्चन जैसे ध्यान दीजिएगा, बोर्ड मास रूल आपने पढ़ा है, तो अगर ये क्वेश्चन है आप ध्यान देना, हाँ ठीक है, टू 129, इसका आंसर क्या आप एक सेकंड में कर सकते हैं? बताइए, एक सेकंड में कर सकते हैं? हाँ, चुटकी में कर सकते हो इसका आंसर। कैसे? इसका आंसर जीरो आएगा, देख करके पहचान जाओ इस तरह के क्वेश्चन, क्योंकि इसमें बड़ा ही खतरनाक, मतलब क्या कहूँ मैं, जीरो लगा है, और वो भी मल्टीपल में लगा है, और हर जगह सिर्फ मल्टीपल का चिन्ह है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, जीरो होगा। जरा समझना, अगर जीरो का मल्टीपल इन दोनों में करेंगे आपस में, तो बच्चा ये जीरो हो जाएंगे, ये बचे ना, भाई सीधी सी बात है, ये एक एक मिल मिल के कट मर जाएंगे सब, समझते चलना। इन दोनों का गुणा करोगे ये जीरो हो जाएगा, इनका आपस में मल्टीपल होगा ये जीरो हो जाएगा, कुल मिला के फाइनल में क्या आएगा, शून्य आएगा। नीरज कुमार, दशहरा की छुट्टी, बच्चा छुट्टी ही तो है, हर दिन जिंदगी में छुट्टी ही है, दिवाली, दशहरा, होली, ईद, बकरीद, बहुत सारे त्यौहार आएंगे। अगर आप सफल हैं, सक्सेसफुल हैं, आपकी जेब में पैसा आए, तो हर दिन दिवाली है, और अगर जेब खाली है तो कोई दिवाली कोई त्यौहार नहीं होता। इसलिए कुछ बदलिए अपने आप को। अगला देखिएगा, इधर साइड में चिन्ह की सबसे बड़ी बात है आपकी। हम जो इसमें क्वेश्चन लिए हैं उसमें हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आपको चिन्ह का कॉन्सेप्ट समझ में आए, कि कोई भी प्लस माइनस का चिन्ह कब लगता है। जैसे इस टॉपिक का और भी क्वेश्चन है क्या, ऐसे कुछ, एक मिनट रुकना, थोड़ा सा रुकना, मैं बता रहा हूँ। समझना, 18 764 × 99,
क्वेश्चन अगला है 18,764 × 99 माइनस इसमें है नेगेटिव पॉइंट में जो है वो है यही 18,764। अब ये बताइए इसका आंसर कितना आएगा, बहुत आसान तरीके से आप बता सकते हो। ये 18 लिखा गया है, थोड़ा सा गंदा लग रहा है, चलो समझ में आ रहा ना सबको, सबको समझ में आ रहा ना, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं ना। सब कुछ क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो यहाँ पर देखिए, हम आपको सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट आज बता रहे हैं। आप सिंपलीफिकेशन कैसे करोगे जल्दी से जल्दी, इसके लिए आपका अभ्यास होना चाहिए। अभ्यास के लिए सबसे बड़ी बात कि आपको टेबल याद होने चाहिए, वर्ग और घन याद होने चाहिए, जोड़ घटाना गुणा भाग आना चाहिए, यही कैलकुलेशन तेज करने का तरीका। बाकी कोई जादू नहीं है कि जादू की छड़ी छुआओ तेज हो जाओ। इसमें ध्यान दीजिए, मल्टीपल में ये जो नंबर है इधर साइड भी ये नंबर है, यहाँ पे माइनस लगा है, यानी ये दो पार्ट में है। हम यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं 18,764। अगर हम इतना कॉमन ले लेंगे तो आप देखो ब्रेकेट के अंदर क्या बचेगा, भाई सीधी सी बात है, वो नंबर बचेगा जो बचा है उसको छोड़ करके। हाँ, ये 99 और माइनस इसकी जगह पे माइनस का 1 बचेगा। इसको हल करना अब बहुत आसान है, इसको हल करना बहुत आसान है, चुटकी में कर लोगे। ये लो भैया, सीधी सी बात है 18,764 × ये माइनस जब खुलेगा तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 100। अब देखिए इसको हल करना कितना आसान था, कितना आसान था कि नहीं। जितने भी हमारे साथी जुड़े हैं क्लास को लाइक करते चलें। देखो यार, कभी कभी ये क्लास नहीं हो पाती है, एक्चुअली रात के जब 9 बजे क्लास चलती है ना, तो कभी कभी शाम के टाइम बहुत तेज नींद आ जाती है, क्योंकि ये शरीर ना जवाब देने लगता है कि भाई शरीर ही तो इंजन तो है नहीं, कोई मोटर पे चल रहा है कि हाँ चलने दो धक्का धक। प्रॉब्लम ये हो जाती है ना कि बहुत देर हो जाने की वजह से ना, सुबह से ही तो क्लासें चलती हैं, ऐप की 7-8 क्लास चलती है, आपकी यूट्यूब पे हम 5-6 क्लास चलाते हैं, तो 12-15 क्लास हो जाती, बहुत हो जाती है। किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए जल्दी से फटाफट। शाम 7 बजे वाला लिंक, शाम 7 बजे वाला क्लास यूट्यूब पे पड़ी है, आज कोई नई क्लास नहीं चली है, आज कोई नई क्लास शाम 7 बजे नहीं चली है, तो ये आप कर लिए। अब इसमें हम चिन्ह के बारे में अगर आपसे बात करें, जैसे मान लीजिए ये है 21/3, ये -3। देखिए यहाँ पर आंसर तो लाना आसान है, लेकिन आंसर प्लस में आएगा कि माइनस में, यहाँ ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। क्या आप इसे समझ सकते हैं बताइए, थोड़ा ज़्यादा चमक रहा है ना, तो मैं इसे कम कर देता हूँ। मोहित जी आपका कमेंट आ रहा है, एसके सिंह डिस्कवरी, अमन खान, अमरजीत, पंकज, ठीक है सबका कमेंट आ रहा है। हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बताइए इसमें किसी को तो कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, लिख सकते हैं ना। और जब इसे हम काटेंगे, हम इसे एक लाइन और अगर हल करें, 21/-1 × 3 लिख सकते हैं, इसमें किसी को और कोई दिक्कत नहीं। 3 से इसे काट सकते हैं, हाँ तो 7/-1 हो जाएगा। अब नीचे -1 है, ये माइनस का में कभी आंसर नहीं लिखा जाता, ऊपर जाएगा तो -7 आ जाएगा, कितना आएगा -7। तो कृति यादव, आज चैट का क्लास नहीं चला जी, बिल्कुल नहीं चला, आज कुछ समस्या थी, आज 8 बजे वाला क्लास नहीं हुआ, कल चलेगा। ये सब भी काम का है, टेट वालों के लिए जो चल रहा है, ये भी काम का है, बहुत काम का है। इसको मैं मिटाऊं, सबसे बड़ी बात इस क्लास में जो मैं आज सिखा रहा हूं आपको, चिन्ह का ज्ञान हो जाएगा कि आप कोई क्वेश्चन अगर प्लस माइनस में उलझा हुआ है तो उसका सही आंसर कैसे निकालेंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम लोग आंसर तो सही कर लेते हैं, सब कुछ चिन्ह गलत लगा देते हैं, और उस वजह से हमारा पूरा का पूरा प्रश्न गलत हो जाता है। ठीक है, इस तरह के जितने भी प्रश्न हैं आप उन सबको कर लेंगे और आंसर वैसे ही आएगा। जैसे अगर एक और भी बात करें हम,
माइनस का 36 डिवाइड बाई 9। यहाँ पर आप देखना दोनों में अंतर है, इसमें माइनस वाली संख्या से भाग हुआ था, इसमें माइनस वाली संख्या में भाग हो रहा है ना। मीना कुमारी दिख रहा है ना, क्या है ये? मैथ की क्लास है, गणित जिसे बोलते हैं, गणित है ये। ये माइनस का 36, अब ये नीचे 9 हो सकता है, भाग का चिन्ह हटा के हम ऐसे कर सकते हैं इसको। तो प्रिय साथियों, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 9 चौक 36, 4 का 1 में गुणा होगा, 4 हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, है ना। अमरजीत कुमार जी बहुत अच्छे, वेरी गुड। जिनको भी गणित सीखना है, इस क्लास को छोड़ के नहीं जाना है। अगर आपको सीखना है तो क्लास को पूरा देखना है। अगर आप आए और गए तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती फिर, ठीक है। लेकिन अगर आपने 20-25 मिनट क्लास देख लिया, यकीन मानिए कि आपको आने लगेगा, पक्का है, ठीक है, क्लियर। अब हम एक नई बैच लॉन्च करने जा रहे हैं आपके लिए, वो कुछ अलग होगी, सबसे अलग होगी वो। उसमें क्या होगा, आप जब क्लास आएगी तब आपको पता चलेगा। एक नई बैच आपकी, मान लीजिए 20 अक्टूबर से चलेगा, बहुत बेहतरीन होगा। उसमें हमारी कोशिश है कि वीडियो 10 ही मिनट के रहेंगे, एकदम परफेक्ट 10 ही मिनट का वीडियो रहेगा, लेकिन 10 मिनट में आपको बहुत कुछ सिखा दिया जाएगा। हमारी ये कोशिश है, बहुत बड़ी क्लास तो नहीं मिलेगी, ठीक है, तो उसको भी देख लेना। अगर ये नंबर है -144 डिवाइड बाई माइनस कर 12, इसमें अंतर है समझना। यहाँ पर हर जगह माइनस है, यहाँ पर देखो एक में माइनस है, एक में प्लस है, तो इसे हम ऐसे कर सकते हैं, -144 डिवाइड बाई -112। साथियों अगर नीचे ऊपर दोनों में माइनस का चिन्ह है तो हम इसे प्लस कर सकते हैं, ये बराबर का हिसाब है, और ये 12 से कट जाएगा तो 12 आ जाएगा। इसके लिए आपको 12 का वर्ग याद होना चाहिए, अगर नहीं याद है तो आप बार बार भाग करोगे फिर लंबा हो जाएगा। अगर आपको 12 का वर्ग नहीं याद है तो आप पहले इसको 2 से काटोगे, 6 से काटोगे, 3 से काटोगे, तो काफ़ी लंबी आपको प्रक्रिया करनी पड़ेगी। इसलिए कहता हूँ कि भैया हो, जैसे 2 दूना 4 होता है, 3 त्रिका 9 होता है, 10 सता 49 होता है, 8 अठे 64 होता है, इस तरह का कम से कम 30 तक याद कर डालो, नहीं 50 तक, ठीक है। जैसे 20 का वर्ग 400 होता है, इस तरह से। हरि ओम। माया कुमारी काहे को मुंह बना रही हो, काहे को मुंह बना रही हो? कोई कह रहा है इस क्लास में कम बच्चे हैं, जितने हैं उतने कम थोड़ी हैं, ये एक ना 1 लाख के बराबर है। कोई परीक्षा होती है उसमें सब थोड़ी पास होते हैं, कुछ तो माहौल बनाने के लिए फॉर्म डाल देते हैं, तो पास वही होते हैं जितने यहाँ पे हैं, सीधी सी बात है। चलो हाँ, एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एकदम दमदार है, जरा यहाँ ध्यान देना। वो क्या कह रहा है, आप बहुत दिन बाद इस क्वेश्चन को कभी देख रहे होगे पहली बार। 0 को डिवाइड बाई 11 है, चल भैया बताओ, मतलब 0 0 के साथ भी माइनस का चिन्ह लगा है, अब बताओ क्या होगा। बताओ क्या होगा, सोच के बताओ फटाफट। कितना आएगा अमरजीत? 0। और कोई एनीवन, कोई और बताएगा? देखिए इसमें हम आपको एक चीज कंफर्म करना चाहते हैं, आप सबको पता होगा इसका आंसर तो 0 आएगा, ठीक है। जैसे कहते हैं ना, कोई कोई जानवर है या इंसान है, अगर वो मर गया है तो उसको चाहे सुई लगाओ, इंजेक्शन लगाओ, चाहे उसको घी पिलाओ, चाहे मेवा खिलाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसी तरह से 0 है ना, इसको मान के चलते हैं, शून्य पे किसी प्रकार के चिन्ह का कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई चिन्ह पे इसका फर्क नहीं पड़ता है। इसमें किसी भी गिनती से गुणा करोगे, चाहे वो माइनस है चाहे प्लस है, सब 0 हो जाएगा, इसका कोई जाति धर्म नहीं है। अगर इसमें किसी गिनती से भाग करोगे तब वो भी 0 हो जाएगा, वो किसी भी चिन्ह में है, चाहे माइनस में है चाहे प्लस में है, सब आके सिमट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फाइनल में क्या हो जाएगा,
इसका आंसर जीरो हो जाएगा। इसे फिलहाल आप ऐसे लिख सकते हो, हाँ ये जीरो हो जाएगा। ठीक है जी, आपकी तबीयत खराब है, आप आराम करिए और अपना ध्यान दीजिए, ठीक है। ये जो प्लेटलेट्स वगैरह गिरी हुई है, इसको हमारे समझ से बोलते हैं कि टाइफाइड, से मियादी बुखार बोलते हैं हिंदी में। इसके लिए पपीता की पाती वगैरह पी जाती है। हम लोग ना पता है लॉकडाउन में जब थे, बिना बुखार के भी सब पपीता पाती पीते, इतना पाती पीते थे, अगल बगल जितने पपीता पेड़ थे सबकी चुरकी पाती गायब हो गई थी, सब पीते थे। वैसे ही बुखार पकड़ा एक लोग को था, पीते सब थे। तो इतना कड़वा लगता है ना, मतलब अंदर से छील के पलट जाता है। ठीक है, हो गया। क्लास का नाम है, जैसा कि चल रहा था, डोज नंबर 20। टाइटल का नाम है मैथ्स का वैक्सीन। स्पेलिंग भले ना सही हो लेकिन मैथ सही रहेगी। चलो, तो आज आपका टॉपिक है स्थानीय मान। क्लास हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होती है। स्थानीय मान इंग्लिश में इसे प्लेस वैल्यू बोलते हैं। हिंदी की गारंटी है सही रहेगी, इंग्लिश में स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है कभी कभी, रेयर केस में, हरदम नहीं। ठीक है, इसमें से कितने लोग स्थानीय मान जानते हैं मुझे ये बताओ, कितने लोग हैं जो स्थानीय मान जानते हैं? अधिकांश लोग जानते होंगे, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है, ये क्लास बहुत छोटी होती है। ठीक है, समझिए, जो बच्चे टेट वाले हैं कह रहे हैं कि टेट का नहीं पढ़ाए, यूपी टेट में स्थानीय मान में पढ़ाया हूँ और ये उस सिलेबस में भी है यूपी टेट में। तो जो टेट का परीक्षा देने वाला कोई भी स्टूडेंट है, अगर आपने बेसिक सीख लिया कक्षा 8 तक का, तो टेट आप आराम से निकाल सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट आनी चाहिए। बस कक्षा 8 तक पढ़ने का मतलब ये नहीं कि तुम रेंग होगे, उसमें तो नहीं होगा, टाइम बीत जाएगा। कैलकुलेशन आपका फास्ट तब होगा जब आपको वर्ग, घन, पहाड़ा, गिनती याद रहेगा, आपकी जुबान पे रहेगा। जैसे कोई आपका नाम पूछे तो आपको सोचना नहीं पड़ता है, हाँ भाई मेरा नाम फलाने है। लेकिन अगर मैंने आपसे पूछा कि 18 सत्ते, आप सोचना, मतलब सोचोगे 20 सेकंड, तो ये गड़बड़ है। आपके इस पे रहना चाहिए फड़ रसे उगल दो, जैसे कोई बोले, तब कैलकुलेशन फास्ट होता है। अगर मैंने कहा कि 12 का घन क्या होगा, तो आपके दिमाग में रहना चाहिए, फट से बता दो, तब कैलकुलेशन फास्ट होता है। बहुत से बच्चों की ये बीमारी होती है, उनकी शादी कैंसिल हो गई, परीक्षा नहीं निकल रही, नौकरी नहीं मिल रही, काफी टेंशन में है, उम्र हो चुकी है 32 साल 35 साल, क्या करें, अब आधी से ज्यादा जिंदगी तो बीत गई, अकेले में लग रहा है जो बची वो भी ऐसे बीत जाएगी। तो उनके लिए ये मैं सजेशन बता रहा हूँ। बहुत सारे दर्द भरे मैसेज और कॉल हमारे पास आते हैं, जिनको सुन सुन के मुझे खुद बड़ा अफसोस होता है, लेकिन करा क्या जाए, अंग्रेज तो चले गए लेकिन अपनी इंग्लिश और अपनी नौकरी वाली मानसिकता की गुलामी छोड़ के गए हैं, आज भी भारत में विद्यमान है। कोई भी सरकारी नौकरी वाला, चाहे चपरासी हो, उसकी कीमत बहुत बड़ी होती है, लेकिन अगर आप कोई बिजनेस, कोई अलग प्रकार का काम कर रहे हो, चाहे लाखों में कमा रहे हो, लेकिन उसकी कोई कदर नहीं है। चलो आगे चलते हैं। स्थानीय मान में ये इतना ज्ञान जरूरी था क्योंकि ऐसा कुछ टॉपिक आ गया। स्थानीय मान में देखिए, समझिएगा, जैसे ये नंबर दिया है ना, आपको दिख रहा है, इसमें आपको थोड़ा सा समझना है, वो क्या है, जैसे कोई भी नंबर, हम दोनों तरह का बताएंगे, पहले तो पूर्ण संख्याओं का बताएंगे, फिर अपूर्ण संख्याओं का भी बताएंगे। थोड़ा सा आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आएगा, ये नंबर 7 है ना, अगर हमें कहा जाए इसमें 7 का स्थानीय मान निकालिए, वैसे तो हम इस दी गई संख्या में सारे अंक का स्थानीय मान निकालेंगे, लेकिन आपसे प्रायः दी गई नंबर में से केवल एक अंक का पूछा जाता है। एग्जाम में आपसे ऐसे पूछ लिया जाएगा कि दिए गए इन संख्याओं में 7 का स्थानीय मान क्या होगा, ऑप्शन आ जाएगा, पहला 7 होगा, दूसरा 70 होगा, तीसरा 700 होगा, चौथा 7000 होगा। क्या आप लोग इसमें से ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, कोई मुझे बता दीजिए जल्दी से, फटाफट बताइए, और क्लास को लाइक करना नहीं भूलना, ये कहने वाली बात नहीं है। प्रियंका का आ गया, मनोज का आ गया, उज्मा का आ गया, ठीक है, ये पूर्ण संख्या है, सभी जानते हैं, छोटका बचवा भी जानता है कैसे होता है। इस नंबर को ऐसे लिख लेते हैं चुपचाप, बिना किसी छेड़छाड़ के, सावधानी पूर्वक,
कूड़ा का चिन्ह लगाते हैं, उसके बाद वन लिखते हैं। वन का मतलब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि जो वन है इसके लिए यहाँ लिख रहे हैं, नहीं इससे कोई मतलब नहीं हमारा, इससे कोई ताल्लुक नहीं, ये सब में करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि वो नंबर जिसका स्थानीय मान निकाल रहे हैं उसके पड़ोस में कितने लोग हैं, पड़ोसन लोग हैं कि नहीं, तो इनके बगल में एक कहे हैं, हाँ एक, इसलिए इसके बाद एक जीरो लगा के गुणा करते हैं तो इसका आंसर 70 आता है। जो लोगों की कन्फ्यूजन इनको चर्चा को देख के है ना, इस पर तुम कुछ भी लिख लो, इसका आंसर तब भी उतना ही आएगा। यहाँ पर क्या गिनती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कितनी संख्या में कितनी है, बस इससे फर्क पड़ता है, समझ रहे हो ना। उनकी नंबरिंग कितनी ज्यादा है इससे फर्क पड़ता है, अमाउंट से नहीं मतलब है। यहाँ पे अगर वन है तो कुछ और होगा, नौ हो जाएगा तो कुछ और होगा, पांच हो जाएगा तो कुछ और होगा, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका आंसर 70 ही आएगा। ठीक है, संध्या कुमारी, सुमन, जितेंद्र, तो अगर यहाँ पर पांच हो जाएगा तब भी इसका आंसर यही रहेगा, कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तो ये तो एक सिंपल सा था, आप लोग बता लोगे। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं बोलूं कि भैया हो, बाबू हो, इसमें पांच, ये पांच नहीं तीन, तीन का स्थानीय मान क्या होगा बताइए जल्दी से, लगे हाथ आप सभी बताइए, एक एक कैंडिडेट कमेंट करेंगे, जल्दी जल्दी से, आप सभी मास्टर बन चुके हैं आज से, मैथ में मास्टर बन चुके हैं। चलिए इधर से मैं कहाँ से लिखूं, दिख रहा है ना, ठीक है, तीन, तीन हजार, तीस हजार और एक 300, जवाब दीजिए। पढ़ाई वाली बात करिए फालतू की, चलिए समझिए। बहुत से बच्चों ने इसका जवाब दे दिया भाई, श्यामू राजवंशी, मनोज यादव, एके, प्रियंका, विकास, दीपा और संध्या और कौन है, निधि, मोहम्मद इरफान और मोहम्मद तारिक। ठीक है, इसका थ्री का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, मैंने अभी आपको एक तरीका बताया कि पहले इनको इज्जत के साथ मान सम्मान के साथ उतार लीजिए, उसके बाद वन लगाइए, ये वन सब में लगाएंगे। अब इनके पड़ोसन में कितने लोग हैं उनकी संख्या गिननी है, यानी जो नंबर थ्री है कि राइट साइड में कितने अंक हैं, तो भैया गिन लो यहीं से, वन टू थ्री फोर, एक गिनती लिख दो, चार है ना, तो जितना गिनती रहेगी संख्या में, इससे नहीं मतलब ये पांच है, सात है, दो है, तीन है, इससे नहीं मतलब, कितनी है, चार है ना, तो यहाँ पे चार जीरो लगेगा, बस हो गया काम खत्म। अब इनका गुणा कर लीजिए, गुणा करना बहुत आसान है, तीन का एक में गुणा करेंगे तीन होगा, चार थी सुनना लगा था तो चार थी सुनना लगा दो, ये थ्री का क्या हो गया, प्लेस वैल्यू हो गया। आकाशदीप, बहुत अच्छा, वेरी गुड भैया आकाशदीप, आपसे निवेदन है विनम्र पूर्वक कि आप कॉपी पेस्ट ना करना, अगर कमेंट में कॉपी पेस्ट करोगे ना तो हम होल्ड कर देते हैं, फिर तुम्हारा कमेंट नहीं आएगा। तो ये तो आप सीख गए, मुझे उम्मीद है कि आप सभी कर लेंगे, लेकिन मैं अभ्यास के लिए एक दो और करवा दूंगा, मैं बिना किसी टेंशन के पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे 10 ही मिनट पढ़ाना है आपको बस, मुझे पता है ये क्लास बहुत बड़ी चलाने से मतलब नहीं होता है, क्योंकि आप लोग ज़्यादा देर तक देखना चाहते नहीं हो, आप लोगों को जल्दी है, मुझसे जल्दी शायद नहीं होगा आपको, लेकिन फिर भी चलिए एक क्वेश्चन और बताइए, इसीलिए एक एक टॉपिक 8 दिन में ख़त्म हो रहा है, इसके बाद दशमलव वाला भी मैं बताऊंगा, इसमें आप लोग मुझे इसका स्थानीय मान बताओ जल्दी से, 9 का और इस वाले 3 का, हाँ इन दोनों नंबर के आप प्लेस वैल्यू बताइए। सुमन कुमार, मनोज, ठीक है, वेरी गुड, क्लास में पूरा टाइम बने रहिए, अगर आपको गणित सीखना है यकीन मानिए गणित आपको आएगी पक्का, दौड़ते हुए आएगी, आपके चरण कमलों में समर्पित हो जाएगी, लेकिन क्लास को बिल्कुल तन मन धन से देखना, वैसे जैसे तुम मोबाइल में लगे रहते हो तो तुम्हारा कोई चप्पल उठा ले जाए तो नहीं जान पाते हो,
ऐसे, समझ रहे हो ना। चलो बोलने कुछ और था वाला, लेकिन मैंने चप्पल बोल दिया आप लोगों की मान मर्यादा का ख्याल रखते हुए। चलो तो इसमें अगर मैं इसका आंसर पूछूं तो हार्दिक आइकन का आंसर आया है, कविता का आया है, प्रियंका का आया है, दीपा, जितेंद्र और सुकृति, विकास, एक्सपेरिमेंट बॉय। ठीक है, कोशिश आप लोग अच्छी कर रहे हो। थ्री के अगल बगल कोई नहीं है, आगे नाथ ना पीछे पगहा जिसे बोलते हैं, तो इसका आंसर थ्री रहेगा। इसके अगल बगल कोई नहीं है, इसका वन में मल्टीपल होगा, थ्री रहेगा। इफ नाइन की बात करें तो इस भाई के बगल में वन तो होगा, इसके बगल दो गिनती है तो दो जीरो, 900 आएगा। ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड बच्चे। ये क्या हो रहा है भैया, पढ़ना वढ़ना नहीं चाहते हो क्या आप लोग? पढ़ना चाहते हो ना, तो काहे को सब नीचे ऊपर जा रहे हैं? हाँ चले आगे बढ़े। ठीक है, तो अब हम जो बात करने वाले हैं वो थोड़ी खतरनाक है, समझना। मैं इसमें कुछ अभ्यास प्रश्न भी दूंगा। सबसे बड़ी मेरी एक बीमारी है, पता है क्या, मैं उम्मीद बहुत ज़्यादा करने लगा आप लोगों से। कहते हैं लोग उम्मीद तो अपनों से ही करते हैं, लेकिन अपने ही अपने को तोड़ते हैं। पहले मैं सिर्फ पढ़ाता था, कोई उम्मीद नहीं करता था कि आप लोग लाइक करोगे, शेयर करोगे, ज़्यादा बच्चे जोड़ोगे, लेकिन अब बड़ी उम्मीदें हो गई हैं। और वो उम्मीदें जब टूट जाती हैं ना तो दिल टूट जाता है। ये लोग कहते हैं बस, वास्तव में नहीं टूटता। साइंस में कहा जाए, अगर देखा जाए दिल टूट जाता तो इंसान एक भी सेकंड जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि वो ब्लड पंप करता है। अगर आपका एक भी सेकंड ब्लड की पंपिंग रुकी ना तो सांसें रुक जाएंगी। वो आशिकों की जुबान है कि दिल टूट गया, दिल चुरा ले गई, लेके भाग गई, वो अलग बात। निम्न में संख्या 5 का स्थानीय मान, इन सारे नंबर में आपको 5 का स्थानीय मान बताना है। आप लोग बता लोगे ना? तभी बता लोगे ना। ठीक है, इसका आप लोग कर लेंगे। इसमें हम एक और भी बात करने वाले हैं, प्लेस वैल्यू के बाद फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब समझ रहे हो आप, ऐसे एग्जांपल से समझ लीजिए। जैसे मैं आपको कई बार बताया हूँ कि प्लेस बदलने से इंसान का मान बदल जाता है, सम्मान बदल जाता है, लेकिन उसकी फेस वैल्यू नहीं बदलती है। फेस वैल्यू शायद इसको जातीय मान भी बोलते हैं हिंदी में। फेस का मतलब है चेहरा नहीं, जातीय मान। और शायद जहाँ तक मेरा अनुभव है पिछले 2-3 साल से, नहीं तो लगभग और ज़्यादा 4-5 साल से, विशेषकर यूपी में जाति और धर्म का मुद्दा बहुत जोरों शोरों से है, क्योंकि ये एक ऐसा माध्यम है जिससे शिक्षा को दबाया जा सकता है। और लोग रहेंगे अनपढ़ गवार, 100 रुपये में रैली में झंडा लेके चलेंगे। तो मैं बात क्यों कर रहा हूँ ये समझना, क्योंकि हमें यहाँ जातीय मान बताना है, तो इससे अच्छा एग्जाम्पल और कुछ हो ही नहीं सकता है। तो मैं क्या बता रहा था कि स्थान बदलने से मान बदल जाता है। जैसे मान लीजिए अब इसमें जितेंद्र यादव जी हैं, जितेंद्र यादव ये पढ़ाई कर रहे हैं, आप एग्जाम्पल मान लीजिए क्या है, ये टेट की परीक्षा दे रहे हैं। ठीक है, मान रहा हूँ मैं, अगर बुरा लगेगा तो सॉरी। तो ये कुछ दिन बाद क्या हो जाएंगे, टीचर हो जाएंगे। तो अभी तो ये जितेंद्र यादव हैं, तो इनको आप घर वाले, अगल बगल, यार दोस्त सब जितेंद्र यादव या जितेंद्र ही बोलते होंगे। लेकिन कल को अगर ये टीचर हो जाएंगे तो इनको भाई, अधिकांश लोग तो जितेंद्र बोलेंगे, लेकिन कुछ लोग मास्टर जी भी बोलेंगे। हाँ बोलेंगे ना। तो कहने का ये मतलब, इनका क्या हुआ, इनका स्थान बदल गया। ये स्टूडेंट थे, स्टूडेंट से टीचर हो गए, तो जो इनको सम्मान पहले मिलता था, ये स्टूडेंट थे, उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ गया जब ये सरकारी स्कूल में पढ़ाने लगे। हाँ, शादी वादी के रिश्ते आने लगे और रिश्तेदारों में बातचीत चलने लगी कि हाँ भाई फलानवा का लड़का मास्टर होएगा। लेकिन इनकी जाति बदली क्या,
यादव थे तो यादव ही रहेंगे ना, शुक्ला तो हो नहीं जाएंगे। बताइए मतलब समझ रहे हो। तो वैसे क्या है कि जो जातीय मान होता है इसमें बदलता नहीं जातीय मान, स्थानीय मान बदलता है। किसी भी संख्या का जातीय मान उतना ही रहता है जितना वो दिया है। जैसे इस नंबर में अगर मैं बात करूं, यहाँ पे देखना, इसमें अगर मैं 7 का जातीय मान पूछूं तो क्या होगा आप बताओ, 7 का जातीय मान क्या होगा, जरा सोच के बताइए। तो 7 का जातीय मान 7 ही होगा, वो नहीं बदलेगा, जितना रहेगा उतना ही रहेगा। मैंने पूछा कि इसमें इस 5 का जातीय मान क्या है, तो 5 ही रहेगा। 3 का फेस वैल्यू क्या है, 3 ही रहेगा। इंग्लिश में फेस वैल्यू, हिंदी में जातीय मान बोला जाता है। सभी को समझ में आ रहा है ना मेरी बातें कि नहीं, किसी को कोई तकलीफ हो तो बताइए। वैसे पढ़ाई से संबंधित, हमारे क्लास से संबंधित, हाँ बाकी वैसे तो और लोगों को बड़ी सारी तकलीफ है, तो मैं सब कुछ तो नहीं झेल सकता हूँ। समझ रहे हो ना आप लोग, आगे बढ़ा जाए फिर, ठीक है। इसमें अगर मैं बोलूं कोई और नंबर का जातीय मान बताओ किसी का, तो बता लोगे ना। ये आपके लिए एग्जांपल है, ये आपके लिए एग्जांपल है, इसको आप घर पे करना, उदाहरण और होमवर्क है। अब हम कुछ अलग करने वाले हैं स्पेशल, वो का है पता है, दशमलव संख्या का स्थानीय मान। जैसे पूर्णांक नहीं है अगर वो, तो उसका स्थानीय मान एक बहुत बड़ी कठिन बीमारी है। जरा समझिए, देखिए मगर प्यार से, लेकिन थोड़ा लिमिट में रह करके। तो लोग तो इतना ज्यादा प्यार से देखने लगते हैं कि पढ़ाई का कोई दूर दूर तक रिश्ता ही नहीं रह जाता है। चलिए देखिए, यहाँ समझिए, मैं क्या बताने वाला था दशमलव का। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 0.342, अगर इसमें मैं 4 का स्थानीय मान बोलूं तो क्या होगा बताइए। ये रूल बिल्कुल उल्टा है 36 का आंकड़ा। इसमें जैसे अभी सीधा सीधा ये नंबर इतना होता तब इसमें 40 आता इसका स्थानीय मान, लेकिन चच्चा यहाँ 40 नहीं आएगा, यहाँ 40 नहीं आएगा। क्या इसमें कोई ऐसा शैतान है जो बता सकता है इसका आंसर? शैतान का मतलब यहाँ मैं बहुत प्यार से बोल रहा हूँ, बुरा नहीं मानना, गरियाना नहीं। चलो देखिए, समझिए, मैंने अभी तक क्या बताया था, थोड़ा सा यहाँ देखिए, हम इनको मान लेते हैं दूसरी साइड में। अगर ये ऐसे होता तो यहाँ पर इसका स्थानीय मान कैसे हो जाता है, 4 × 1 मैंने बताया था, और 1 के बाद जितने नंबर होते हैं उतना से 0 लगा के गुणा कर देते हैं, ये मैंने बताया था भाई साहब और बहन साहिबा एंड अंकल आंटी सभी को मैं बताना चाहता हूँ, ध्यान दीजिएगा। इसमें भी कुछ ऐसे ही होगा, इसमें भी कुछ ऐसे ही होगा, लेकिन थोड़ा सा अलग होगा, बिल्कुल रच्ची भर का। ये नंबर भी ऐसे ही लिखेंगे प्यार से, और मल्टीपल का चिन्ह भी ऐसे लगाएंगे प्यार से, और ये 1 भी ऐसे लिखेंगे प्यार से, लेकिन इसमें बिना प्यार वाला एक 1 नीचे भी लगेगा, बस ऐसे, ठीक है। और इसके बाद में जितनी गिनती है इसके दाहिनी साइड, दाई साइड जितनी गिनती है उतना 0 यहां लगेगा, ऊपर नहीं लगेगा। मतलब समझ में आया हो कक्का लोग, यानी इसका फाइनल में जो आंसर आएगा वो 4/10 आएगा, और चूंकि दशमलव में बहुत पहले पढ़ा चुका हूं इसलिए इसका आंसर आएगा 0.4। अब मुझसे मत पूछना कि ये काहे को ऐसे हो रहा है, क्या ये सही है कि गलत है, मुझे कुछ कंफ्यूजन लग रहा है। वैसे ये सही है, ये दोनों तरह से सही है, ये दोनों तरह से सही है, ये गलत हो ही नहीं सकता। एक्चुअली इसमें मैं आपको अभी ये नहीं क्लियर किया कि गिनती किधर वाली देखेंगे, बिना दशमलव वाली तो इधर वाली देखते हैं, इसमें किधर वाली देखेंगे।
आप लोगों को किसी को पता है तो बताइए, सभी को समझ में आया? वैसे अगर मैं इसको और ज़्यादा क्लियर करूं तो काफ़ी टाइम हो जाएगा, और मेरे पास ज़्यादा टाइम है नहीं इसको लेकर के, क्योंकि आपकी PBR स्टडी ऐप के अंदर जो क्लासें होती हैं उसमें मुझे पूरी जिम्मेदारी के साथ उपलब्ध होना पड़ता है, क्योंकि वो सीरियसली सीखना चाहते हैं। अगर आप कहीं 5 रुपये खर्चा करते हो ना तो आपका टेंशन बढ़ जाता है।